इस वीडियो में मैं आपके साथ बैठ के 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने वाला हूँ इन वन ऑफ द स्मॉल केस। अब जिन लोगों को स्मॉल केस की आइडिया नहीं है, पता नहीं है कि स्मॉल केस क्या होता है, तो वो इस वीडियो को आगे तक देखो, उनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि स्मॉल केस क्या होती है, स्मॉल केस क्यों बेटर होती है म्यूचुअल फंड से। एंड थर्ड चीज और लास्ट चीज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि मैं कौन से स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने वाला हूँ एंड मेरा क्या क्राइटेरिया होता है व्हाइल इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द स्मॉल केस। सो इफ यू वांट टू लर्न अबाउट फाइनेंस या फिर इन्वेस्टिंग के बारे में, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड आई कैन गारंटी कि अगर आप कोई भी स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो आपको क्या क्राइटेरिया देखना है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी। बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, कंसिडर हिटिंग दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो अगर आपको स्मॉल केस के बारे में पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि स्मॉल केस एक जरिया है टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और ETFs। अब आप कहोगे कि यार मैं तो डायरेक्टली अपने ब्रोकर के ऐप या फिर वेबसाइट के थ्रू जाके कोई भी स्टॉक या फिर ETF तो खरीद ही सकता हूं, एंड यू आर 100% राइट। बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन योर ब्रोकर्स वेबसाइट और स्मॉल केस में इज स्मॉल केस आपको थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको लगता है कि IT इंडस्ट्री काफी बूम करने वाली है, तो आपको पर्टिकुलरली बस IT में ही इन्वेस्ट करना है, तो आप वो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि फार्मा ग्रो करने वाली है, तो आप पर्टिकुलरली बस फार्मा स्टॉक में ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग इज डन। और स्मॉल केस ये आपको प्रोवाइड करता है, और जो भी स्टॉक्स की बास्केट बनती है स्मॉल केस में, वो बनाने वाले सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स होते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी कि आपके पैसे डूब जाएंगे। अब पर्टिकुलरली होता क्या है स्मॉल केस, तो ये एक बास्केट होता है स्टॉक्स का। अब आप सिमिलरली ये कह सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड की तरह ही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी तो बास्केट ही होती है स्टॉक्स की, और आप यहाँ पे भी राइट हो। बट डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड में आपको कुछ ज्यादा चार्जेस लगते हैं, जैसे आपको लगता है एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो। अब ये सारी टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाऊंगा, बट आपको जो है इन शॉर्ट बहुत सारे टैक्सेस पे करने होते हैं व्हाइल इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द म्यूचुअल फंड। व्हेयरएज आपको स्मॉल केस में इतने ज्यादा चार्जेस नहीं लगते। चार्जेस के बारे में भी आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि जब आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं और क्यों बेटर है, क्यों कम चार्जेस है। आपको समझ में आ गया है। दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं कि स्मॉल केस म्यूचुअल फंड से बेटर क्यों है। सबसे पहला रीजन तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको म्यूचुअल फंड में ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल केस। क्योंकि म्यूचुअल फंड आप सेल करते हो, तो आपको उसके अलग चार्जेस पे करने होते हैं। म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर हैंडल करते हैं, उनके आपको एनुअली अलग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो आपको पे नहीं करने होते हैं व्हाइल इन्वेस्टिंग इन स्मॉल केस। अब पहला रीजन आपको पता चल गया है। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, जो कि है यूअर कंट्रोल। स्मॉल केस में आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो। बट म्यूचुअल फंड में आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, या फिर फंड मैनेजर जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उसी में ही करेंगे, बल्कि आपकी मर्जी से नहीं चलेंगे। इन शॉर्ट आप म्यूचुअल फंड में कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो, वेयर एज इन स्मॉल केस आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। सो सेकंड बेनिफिट ये है कि आपका इसमें कंट्रोल ज्यादा बनता है। एंड थर्ड और लास्ट जो कि प्लस पॉइंट लगता है मुझे स्मॉल केस का, वो है थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग, जो कि आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगी। स्मॉल केस इसी के लिए जाना जाता है, जो कि आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ से इजीली थीम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो स्मॉल केस के बारे में जो भी सारी चीजें हमने डिस्कस की है, उसका हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आपको कैसे जाके स्मॉल केस एसेस करना है और इन्वेस्ट करना है, और कंप्लीटली बात करेंगे कि आपको क्या क्राइटेरिया भी देखना है। तो जो भी सारी चीजों के बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया है, उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, और प्रैक्टिकली मैं आपको इन्वेस्ट करके भी दिखाऊंगा 50,000 रुपीज इस स्मॉल केस में। तो बढ़ते हैं एप्लीकेशन की ओर। तो मैंने स्मॉल केस के ऐप को एक्सेस करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे अगर आप जाते हो डिस्कवर में, तो डिस्कवर में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल केसेस मिल जाएंगे। यहाँ पे एक्सप्लोर ऑल स्मॉल केसेस आप कर सकते हो। स्मॉल केसेस दो प्रकार की होती है, एक तो फ्री होती है और एक सब्सक्रिप्शन बेसिस पे होती है। तो आप यहाँ पे अगर फ्री करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे फ्री कर सकते हो, और मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो भी फ्री होने वाली है, मतलब फ्री स्मॉल केस में ही मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी अलग अलग थीम्स मिल जाएंगी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आपको स्मॉल केस में थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग करने का मौका मिलता है। तो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग इज टॉप नॉच। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको थोड़ी रिस्क भी नहीं लेनी है या फिर थोड़ा सेफ साइड भी खेलना है, तो आप ऑल वेदर इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग का मतलब यही है कि आप कभी भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद टॉप 100 स्टॉक्स है। मैंने ऑलरेडी एक स्मॉल केस निकाली हुई है जिसमें मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ अपनी अमाउंट, एंड वो होने वाली है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे ऑलरेडी सर्च है। एंड यस, इस स्मॉल केस में जो है मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। अब क्या क्या क्राइटेरिया था मेरा, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि क्यों मैंने यही स्मॉल केस चुनी है rather than other small cases। सबसे पहले तो मैं ये चेक करता हूँ कि इसमें क्या क्या तरीके के स्टॉक्स है या फिर ETFs है। तो आपको यहाँ पे जो है वेटेज भी मिल जाएगा कितने परसेंट में है, और स्टॉक्स एंड सेगमेंट्स में मिल जाएंगे कि किस में इन्वेस्ट करने वाले है ये स्मॉल केस। जैसे कि मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड से बेटर ये क्यों है, तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कस्टमाइजेशन का।
और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कौन सी ETF में कितने परसेंट की अमाउंट मेरी जा रही है। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल में जाएगी 50%, निकॉन इंडिया में जाएगी 25%। तो क्राइटेरिया में सबसे पहली चीज ये देख ली मैंने, उसके बाद ओवरव्यू में मैं जाता हूँ। ओवरव्यू में आप यहाँ पे इजिली कंपेरिजन कर सकते हो कि आपने इतने इन्वेस्ट किए होते तो अभी जाके इतनी अमाउंट हो जाती थी। एंड वो चेक करने के बाद जो थर्ड चीज आती है वो आपको ये चेक करना है, चेक कॉस्ट एडजस्टेड परफॉर्मेंस, जो कि आपको करना मस्ट है, आपने ये करना चाहिए आपकी एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए कि आपको एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर आप जब भी कभी भी इन्वेस्टमेंट आपके जो है रिडीम कर लोगे तब आपको कितनी इन हैंड अमाउंट मिलेगी वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे 1,00,000 रुपए ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट डाल के रखा है, मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ एंड जो मेरी अमाउंट है मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ 50,000, अप्लाई फिल्टर्स एंड बूम। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपी, रिटर्न मिले हैं मुझे, मतलब रिटर्न जो मिलने वाला है मुझे वो है 8,059 रुपी। ये लाइव है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिक्स मंथ में जानना है कि मुझे सिक्स मंथ में कितने रिटर्न मिल जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4,588 जो है मुझे रिटर्न मिल सकते हैं। इट्स नॉट गारंटी कि आपको रिटर्न मिलेंगे ही। और ये 1 मंथ और 6 मंथ ही क्यों है, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्लाइटली न्यू स्मॉल केस है। अगर आप पुरानी स्मॉल केस देखते हो जैसे ऑल वेदर इन्वेस्टिंग हो गई तो यहाँ पे आपको 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर का भी ग्राफ दिख जाएगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगी कि आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं। अब ये सारी चीजें जानने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको चार्जेस क्या क्या पे करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि -205 मेरे चार्जेस होने वाले हैं, तो 205 रुपए मेरे कहा जा रहा है ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे पहला तो मेरा जो ब्रोकर है वो ग्रो है, तो उनके ब्रोकरेज चार्जेस है। उसके बाद स्मॉल केस जो है वाइल यू इन्वेस्ट, आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें से 100 रुपए जो है वो स्मॉल केस लेगी एज अ ट्रांजेक्शन फी। तो अगली बार आप कभी भी स्मॉल केस में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो 100 रुपए जो है आपकी ट्रांजेक्शन फी लगने ही वाली है, वन टाइम होगी और वो चार्जेस स्मॉल केस के होंगे। उसके बाद आपको जो चार्जेस देनी ही होती है जैसे GST आपको देना ही पड़ेगा, स्टैंप ड्यूटी एंड बाकी सारे चार्जेस जो है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन करके दिखा दिया है कि आपको क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं। और इन हैंड आपको जब अमाउंट आएगी तो उसमें से 205 रुपए जो है ऑलरेडी डिडक्टेड रहेंगे क्योंकि वो चार्जेस यहाँ पे ब्रेक डाउन करके दिखा दिए हैं। तो ये जरूरी चीजें देखने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये स्मॉल केस में क्या क्या चीजों के बारे में डिस्क्राइब किया गया हुआ है, ये कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्टली। तो ये अबाउट द स्मॉल केस के बारे में आप इजीली पढ़ सकते हो यहाँ पे। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, तो आपको अबाउट द मैनेजर भी पढ़ना है। आप वैसे तो आपको यहाँ पे स्मॉल केस में ज्यादा मैनेजर के बारे में रिसर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो भी मैनेजर्स है वो सेबी रजिस्टर्ड मैनेजर्स है, तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो मेन चीज जो छूट गई थी हमारी वो लास्ट में, वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियम वोलेटिलिटी। यहाँ पे आपको 3 तरीके के वोलेटिलिटी मिलेंगे, एक लो, मीडियम और हाई। तो आपके हिसाब से जो भी टाइप के आप इन्वेस्टर हो, अगर आपको हाई रिस्क लेना पसंद है तो आप हाई वोलेटिलिटी वाले जो स्मॉल केसेस है वो बाय कर सकते हो। तो मैं मीडियम लेना चाहता हूँ, मैं मीडियम से रिस्क लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मीडियम वोलेटिलिटी वाला जो है मैंने स्मॉल केस चूज किया है एंड देन आई जस्ट इन्वेस्ट इट नाउ। तो मैं फटाफट से जो है अमाउंट डाल देता हूँ एंड इन्वेस्ट कर देता हूँ इसमें। तो मैंने ग्रो पे वो अमाउंट ऐड कर दी है और यहाँ पे जो है मैं मंथली ऐसा भी नहीं करने वाला हूँ, मैं वन टाइम करने वाला हूँ। और यहाँ पे जो अमाउंट है मेरी वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। और स्मॉल केस कभी भी राउंड फिगर में पैसे नहीं लेता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ 49,941 रुपी जो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी मेरी अमाउंट थी वो फाइनली यहाँ पे इन्वेस्ट हो गई है एंड मैंने जो है इसमें इन्वेस्ट किया है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज में एंड यू कैन डू इट टू। तो आई होप कि आपको क्राइटेरिया भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना है तो क्या सारी चीजें आपको देखनी चाहिए और फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आपको वही स्मॉल केस यूज करनी है जो कि मैंने की है, आप अलग अलग स्मॉल केसेस और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। पर आप जो भी कोई स्मॉल केस चूज करो तो आपको वो क्राइटेरिया जो मैंने बताया है वो आपको ध्यान में रखना है और उसी के ही हिसाब से जो है आपको इन्वेस्ट करना है। Because that is the best practice to invest in any of the small case. अगर आपके इसके अलावा कोई questions हो, आपको अगर small case के बारे में और ज़्यादा जानना है, बल्कि ये sponsored video बिल्कुल भी नहीं था, ये मुझे instrument पसंद आया, that's why I thought कि यार मैं आप लोगों के साथ भी share करूँ और मुझे कुछ investments करनी ही थी इसमें के लिए, तो वो भी सारी चीजें मैं आपके साथ share करूँ। But finance के related, investments के related, अगर आपको लगता है कि मैंने और ज़्यादा videos बनानी चाहिए तो मुझे नीचे comments में बताओ कि इस पे और ज़्यादा videos बनाओ ताकि मैं और ज़्यादा value add करने का try करूँ आपके लिए। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है, इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।